नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। भ्रष्टाचार की काली गंगा में मुंबई में अधिकारी किस तरह नहाए हुए हैं, इसकी वानगी भर देखकर आप सिहर जाएंगे। रूह तक को फना कर जाए ऐसा नजारा है। मुंबई में इस तरह से सड़क फटकर जमींदोज होने की घटना को शायद ही किसी बिरले ने देखा हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुंबई के चेंबूर इलाके में 80 मीटर तक सड़क जमींदोज होने का नजारा। जी हां, मात्र 5 दिन पहले यानी 30 सितंबर को घटित इस घटना में 2 ऑटो वाले ही पलटे और कुछ लोगों को मामूली चोटें ही आईं, जिसके लिए घटना सुर्खियां नहीं बटोर सकी। मजेदार बात यह है कि सड़क लावारिस बनी हुई है, सभी विभाग इससे पल्ला झाड़ने में लगे हैं। वहीं छोटी छोटी बात पर अपनी बिलों से निकलकर चींची करने वाले नेताओं की बोलती बंद है। सरकारी तंत्र की आंख कान भी बंद है। केवल राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्यन ने इस ओर ध्यान देकर आवाज बुलंद की है। अब हम आपको तफसील से बताते हैं। रोड चेंबूर इलाके में माहौल गांव रोड पर है और घास वाले बाबा की दरगाह की ओर जाती है। इस मार्ग से सभी धर्म जाति मजहब के लोग दरगाह में प्रतिदिन भारी संख्या में जाते हैं। 30 सितंबर की शाम के समय रोड देखते ही देखते जमींदोज हो गया। इस दौरान इस रोड से गुजर रहे 2 ऑटो इसकी जद में आ गए। गनीमत ये रही कि ऑटो में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस मामले में घास वाले बाबा ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दरगाह पर आने जाने वाले लोगों के लिए दूसरा रास्ता खोलने की मांग की है। MMRDA ने डेमोलिशन किया था, ये सारी मीडिया को सारे यहाँ के जनता को भी मालूम है। 2016 के बाद इन लोगों ने हमारा रास्ता को बंद कर दिया, जो BPT रोड से लगकर घास वाले बाबा की दरगाह पे आने का रास्ता था। इसमें RCF पुलिस स्टेशन के पूरे पुलिस पदाधिकारी को भी मालूम है, पूरे प्रशासन को। इन लोगों ने 2016 को रोड बंद करने के बाद हमें ये जो नाले का रोड है, सर्विस रोड, गणेश नगर पटेल नगर से जो रास्ता अंदर आता है, ये रास्ते पे से हम अभी तक आ रहे थे, जा रहे थे। उसके बाद ये नाला का काम चालू हुआ कुणाल कंस्ट्रक्शन की तरफ से, तो हमने उस टाइम पे चौहान साहब को, BMC के ऑफिसर को, करण साहब को, इन सबको हमने इतला किया कि भाई रोड टूट रहा है, आप लोग इतना इतना छड़ ला रहे हैं, इतना इतना मटेरियल्स ला रहे हैं। इन लोगों ने कहा, चौहान साहब ने कहा, ये रोड बनने वाला है बाबा जी, आज नहीं कल आज नहीं। उसके बाद बरसात आया
उन लोगों ने काम बंद कर दिया। रास्ते के इतना पानी भरने लगा, 21 तारीख को, 21 नौ को हमने गए महीने में एंटी करप्शन के जानिब से राजपाल मुंबई कमिश्नर इकबाल चहल साहब को, यहाँ तक का हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हमने सारे लोगों को इतला किया कि रोड कभी भी हादसा हो सकता है। इन लोगों ने कोई भी स्टॉप पर कार्रवाई नहीं किया। यहाँ के अस्थाई आमदार हमारे नगर सेवक किनों लोग भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, ना कभी देखने के लिए, ना आमदार आज तक आए यहाँ पर, ना यहाँ के हमारे श्रीकांत सेठे साहब हैं नगर सेवक, हाँ पात्रकर साहब तो यहाँ से आकर आज तक गए, वो भूल गए, ये जगह को भी भूल गए। हाँ तो ये इसी हालात में आज ये 3 दिन पहले जो बारिश हुआ, उस बारिश के अंदर पूरा रोड पलट गया। मैं खड़ा हूँ घास वाले बाबा दरगाह के रोड पर, और अगर सही मायनों में देखा जाए तो मुंबई के हम किस इलाके में आए हैं, ये अपने आप हैरत कर देने वाली बात है। ये सड़क जिस तरह से इसके जर्रे जर्रे पर लिखा है कि भ्रष्टाचार की कहानी मनपा के द्वारा, बीएमसी के द्वारा की गई है, इसमें हर एक अधिकारी लिप्त है, क्योंकि जिस तरह से सड़क पे दर्रे नहीं पूरी धसी है, दर्रे भी पड़े हैं, धसी हुई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मनपा ने अपने जमीर को गिरमी रखकर इस सड़क को बनवाया है। अगर सही मायनों में देखिए ये सड़क जिस तरह से गिरी है, अगर कोई भी 2 ऑटो यहाँ पर फंसे थे ये सड़क पर जाते समय, यदि अगर सही मायनों में अगर कोई बीच में और कोई बड़ा वाहन होता तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। अब ये बताओ कि आने वाला कल हम किस तरह से यहाँ से श्रद्धालु आएंगे, हमें ये भी रास्ता बंद कर दिया गया, यहाँ से भी रास्ता नहीं है। तो आपके जानिब से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरा ये बोलना है कि अभी ये रोड बनने के लिए ठीक है, प्रशासन तो ये काम करेगी, आज नहीं कल करेगी, लेकिन ये होते होते 5-6 महीना गुजर जाएगा। हाँ ये कोई 2-4 दिन का काम है नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो अगर 2016 में रास्ता हमारा बंद किया, वो रास्ते को चालू कर दे, श्रद्धालुओं को आने जाने का रास्ता दे दे, मेरी यही आप लोग से गुजारिश है, प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी, अस्थायी नगर सेवक साहब से भी, हमारे आमदार पात्रकर साहब से भी, मेरी ये इतला है कि ये इमीजिएटली जितना जल्दी हो, ये रास्ता चलने की बहुत तकलीफ हो गई है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है घास वाले बाबा का, जहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। कोरोना काल में भले ही संख्या कम हो, लेकिन जब कोरोना नहीं रहता तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब ये सड़क धसने का मामला सुनने के बाद श्रद्धालुओं की एक भीड़ सी उमड़ी यहाँ पर, और उनमें आक्रोश दिखाई दिया कि घास वाले बाबा के जाने वाले मार्ग पर किस तरह से बीएमसी ने भ्रष्टाचार किया है। बीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि रोड हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन इससे पहले 3 दिन पहले जब बीएमसी को इतला किया तो बीएमसी कह रही है कि ये रास्ता हमारा नहीं है, पोटरस का है। पोटरस वाले से जब कॉन्टेक्ट किया तो पोटरस वाले कहते हमारा रास्ता नहीं है। तो इनको ये भी नहीं मालूम है आज तक यहाँ के प्रशासन को कि ये रास्ता किसके अंडर में आता है, ये भी अभी तक खबर नहीं। आप इसके इतला करें, आप खुद मालूम मत करें, ये लोग मुझे इस तरह का जवाब दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीएमसी हो या एमएमआरडी हो या पीडब्ल्यूडी हो, कहीं न कहीं ये सब इस मामले में लिप्त है, जो भी इस विभाग में है वो लिप्त है। और पास पे ही नाला बह रहा है और बड़ा नाला है, अगर ये नाले की दीवार जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी धस के नाले की दीवार को तिरछा किया है, अगर नाला टूटता है तो उसका पानी, इसका मलबा सड़क पे इस क्षेत्र में आएगा, और जब इस क्षेत्र में आएगा तो पूरी तरह से आवागमन बंद हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये पूरा दरगाह पर जाने आने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर जो प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं वो जाएं कैसे? तो एक ही रास्ता बचता है, जो माहौल की क्षेत्र से रोड आती है उसके पतरे को हटाया जाए, जिससे श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस ना लगे और वो प्रतिदिन अपने बाबा के दर्शन के लिए आ जा सकते हैं। मैं बिना पाठक एवी न्यूज के लिए। 8 तारीख से प्रशासन भी बोल रही कि रास्ता दरबार को खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। वहीं दरगाह पर आने जाने वाले लोगों ने भी अपनी परेशानी बयां की है। घास वाली दरगाह काफी फेमस है, उसके दोनों आने जाने के रास्ते टूटे हुए हैं, और आप सालों साल से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? 40 किलोमीटर दूर से हफ्ते में जब वक्त मिलेगा तो यहाँ पे विजिट करता हूँ। काफ़ी सुकून और शिद्दत वाली जगह है। तो बेसिकली कैसा है, लोग अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे आपने अभी सुना कि कलियर से आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1200 से 1500 किलोमीटर दूर से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि भाई रोड की सुविधा जो है वो यहाँ पे लोगों को उपलब्ध हो। मैं मुंबई घाटकोपर से ही हूँ,
और काफ़ी टाइम से इधर पे आता हूँ। ऐसे हालात है अभी तो 2-3 दिन से ऐसा है कि गाड़ी उधर आगे खड़ा करना पड़ता है, वहाँ से इतने इतने पानी में चल के यहाँ तक आना पड़ता है। यहाँ पर जो पूरे बहुत खड्डे हैं और यहाँ पर ज़्यादा खोद दिया है, यहाँ से हमारी गाड़ी आ नहीं पाई है। रास्ता तो पूरा टूटा हुआ आगे तो। गौरतलब हो, घास वाले बाबा की दरगाह पर सभी धर्मों के लोग दूर दराज से आते हैं। मात्र मुंबई ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से लोग यहां आते हैं। इधर इस मामले को लेकर भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दी है, यदि इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई नहीं कराई गई, बाद दरगाह आने जाने वाले रास्ते को न खोला गया तो राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उस रहमत के दरबार में जहां हर धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी मजहब का आदमी हो, इस दरबार में आकर मत्था टेकता है और यहां से अपनी रहमतों का पिटारा लेकर जाता है, उस दरबार में आने के लिए आज दुर्भाग्य इस बात का है कि इस दरबार में आने के लिए आज श्रद्धालु परेशान है। परेशान इसलिए है, इनके द्वारा जो सड़क बनाई गई थी यहाँ तक आने के लिए, वो 3 दिन पहले धराशायी हो गई, क्योंकि एक और रास्ता हुआ करता था इस दरगाह तक आने के लिए, वो रास्ता पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर दिया। उस रास्ते से कोई आ जा नहीं सकता, सड़क जमींदोज हो चुकी है, किसी तरह से चलते हुए यहाँ लोग आते हैं और श्रद्धा से इस माथा टिकाकर अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन मन्नत वो अब रहमत की अपने लिए नहीं मांगते, अब मन्नत मांगते हैं कि यहाँ तक ये खुदा या भगवान या ऊपर वाले यहाँ तक आने के लिए रास्ता सही कर दे, अब मांग इस बात के लिए उठती है। एवी न्यूज़ में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।